How does you? Good afternoon, guys. This is PK back again with the latest and a new informative video on Reno Kiger's music system. अब Reno Kiger का जो ये RXT model है, इस RXT model के अंदर जो आपको आता है Android Auto, Apple CarPlay, wired, without मतलब wireless नहीं होता. अब ये इसके functions क्या होते हैं, क्या-क्या features होते हैं, वो मैं आपको detail से बताऊंगा. तो इसका जो user interface है, बहुत ही simple और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा स्लीक है. 8 इंच का ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है. आपने ये देखा होगा, आपको ये याद दिला रहा होगा इंफोटेनमेंट सिस्टम निसान की मैगनाइट की, मैगनाइट और जो ये है ट्राइबर और कीगर, ये सभी एक ही प्लांट में बनती है और ये टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं. तो आइए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि क्या क्या फंक्शन है, कैसे यूज़ होते हैं. और जो भी भाई मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो मैं बता दूं कि मेरे पास Reno Kiger, Chevrolet Enjoy है और मैं इनसे रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ. तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए. और वीडियो को कर देना लाइक, कमेंट कर देना, कुछ क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, और वीडियो पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब. अब करते हैं स्टार्ट. तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो है हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है. Reno का लोगो बन के आता है, इस तरह से वेलकम होता है आपका. और फिर उसके बाद ये आपका वॉलपेपर है, ये आपको डेट बताएगा, डे बताएगा, ईयर बताएगा. अब इसमें बटन क्या होते हैं, ये बटन है, ये होम बटन भी बोल सकते हो, ऑन ऑफ भी बोल सकते हो इसको. ये वॉल्यूम का प्लस माइनस, मतलब वॉल्यूम अप करनी है या डिक्रीज करनी है, ये होम बटन. और ये सेटिंग, तो सबसे पहले पहले वाले बटन से बात करते हैं. इसे प्रेस करेंगे तो ये आपको इस वाली स्क्रीन पे ले आएगा और स्क्रीन पे आप देख, ये बोलेगा ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड यस और नो. तो इसमें ये बेसिक फीचर होते हैं. टच इसका बहुत स्लीक है. आपने रेडियो चलाना, रेडियो को बटन दबाना है. मीडिया जब ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा आपके फ़ोन में, जो भी मीडिया, जो भी वीडियो सॉन्ग्स या आपके MP3 फाइल्स होंगी, वो आप यहाँ प्ले कर सकते हो ब्लूटूथ से अगर कनेक्टेड है. वो सब मैं करके बताऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ ये 4 टैब्स बता रहा हूँ कि किस किस काम आती हैं. तो फ़ोन पिक करना, डिसकनेक्ट करना, फ़ोन बुक चेक करना, ये व्हीकल की इंफॉर्मेशन, सेटिंग्स और स्मार्टफोन इंटीग्रेशन. जब आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करोगे विद वायर एंड्रॉयड ऑटो तो ये यहाँ पर आपको कनेक्ट हो जाएगा और फिर आपके फ़ोन में जितनी भी टैब्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेंगे. आप उसकी हेल्प से आप अपना गूगल मैप भी चला सकते हो. अब एक एक टैब के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हीकल से, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक से लग रहा है. अब इसमें क्या दिखा रहा है, व्हीकल सेटिंग, ड्राइविंग इको. व्हीकल सेटिंग में क्या है, प्रेस करते हैं तो ये बताता है रियर व्यू कैमरा ऑन और ऑफ. तो हमें ऑन रखना है तो ऑन ही रहेगा. और इसको, इसमें बैक का बटन होता है, ठीक है जी. अब दूसरा बटन होता है ड्राइविंग इको. ये इसके अंदर, ये बहुत सारी गाड़ियों में होता है, महिंद्रा की गाड़ियों में भी है और इसमें भी है. ये बहुत अच्छा फीचर है. ये क्या बताता है, ये आपकी रेट करता है परफॉर्मेंस, ड्राइविंग स्किल्स, और आपको कोचिंग भी देता है कि आपने किस तरह से कौन से इंजन ऑटोमोबाइल पार्ट्स यूज़ करने हैं, ड्राइविंग स्पीड कब कितनी रखनी है, बहुत सारे फीचर बताता हूँ. ड्राइविंग इको पे क्लिक करते हैं तो ये मेरा स्कोर बता रहा है, अभी स्कोर बता रहा है एक्सेलरेशन, गियर शिफ्ट, एंटिसिपेशन. तो आप 30 है मेरा आउट ऑफ 100, मैंने सिर्फ सिटी में चलाई है. अब देखो नीचे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ट्रिप रिपोर्ट, इको स्कोरिंग, इको कोचिंग. जो इको स्कोरिंग है ये आपकी बताएगी ड्राइविंग स्किल्स किस तरीके से चल रही है. ट्रिप रिपोर्ट चेक कर लेते हैं. ट्रिप रिपोर्ट में क्या होता है, जो आपको रिपोर्ट यहाँ देखने को मिलती है वही रिपोर्ट आपको यहाँ देख सकते हो आप, और आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हो. जैसे ये है 286.2 किलोमीटर चली है 8 आवर्स 35 मिनट्स जब से ये आई है, जब से इतने चलाई है, मतलब इतने आवर्स चलाई है हमने. एवरेज फ्यूल कंजप्शन जो ये अभी एवरेज दे रही है 13.3 किलोमीटर पर लीटर देख रही है. ये सिटी के अंदर है सारी, हाईवे के इसमें नहीं है, मैंने हाईवे पे चलाई भी नहीं है. एवरेज स्पीड बता रही है, डिस्टेंस विदाउट कंजप्शन सब बता रहा है. अब ये इको कोचिंग क्या होता है, बहुत से बंदे इंटरेस्टेड होंगे और क्यूरियस होंगे, तो इको कोचिंग पर क्लिक करते हैं तो ये बताएगा आपको कि टू इम्प्रूव योर फ्यूल इफिशियंसी, इकोनॉमी एंड लिमिट इंजन वेयर एंड टेयर, यूज दी हाई परफॉर्मेंस ऑयल डेवलप्ड बाय Reno. उसके बाद डू नॉट लीव द इंजन आइडियल इवन इन विंटर्स, इट इज़ मोर इफिशियंट टू ड्राई ऑफ. सारी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करेगा. एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा, ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा पैर नहीं रखना चाहिए, हार्ड नहीं रखना चाहिए. उसके बाद गियर शिफ्टिंग के बारे में बताएगा,
कब गियर चेंज करना, जब इंडिकेटर पे आए तब बता देना चाहिए. एंटिसिपेशन अदर व्हीकल्स मूवमेंट इजी ऑफ द एक्सेलेटर एज सून एज यू नोटिस देयर इज अ ट्रैफिक अहेड. मतलब जैसे आपको लगता है कि अब रेड लाइट पे हो तो वो अपना इंजन स्टॉप कर देना चाहिए. तो ये थे अभी बेसिक फीचर जो यहाँ के. अब इसे बैक जाते हैं, फिर बैक जाते हैं. अब था जी हमारा सेटिंग. सेटिंग पर क्लिक करोगे तो ब्लूटूथ ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको ब्लूटूथ ऑन रखना है, आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा. अगर आप चाहते हो कि आपकी फ़ोन बुक भी इसमें डिस्प्ले हो तो वो आप ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से. ठीक है, अब उसके बाद जी डिवाइस मैनेजर. डिवाइस मैनेजर में ये जो है, एक मिनट ऑन कर लेते हैं इसको, स्टार्ट कर लेते हैं इसको दोबारा, बंद हो जाती है, आइडल रहती है काफ़ी देर तक. हम थे सेटिंग्स में. तो डिवाइस मैनेजर पोको C3 ये मेरा फ़ोन है, इसी से ये वायर के थ्रू ये जो है इसका एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले चलता है. तो एंड्रॉयड ऑटो है मेरे पास, तो इस पर क्लिक करें तो लिखा है टू स्टार्ट यूजिंग एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट स्मार्टफोन सिस्टम टू यूजिंग विद USB केबल. ठीक है, अभी उसे करके बताएंगे और कैसे चलता, सारे फीचर्स आपको बताऊँगा. बैक कर लेते हैं, ये ट्यूटोरियल है. अगर आपने सीखना है स्मार्टफोन ट्यूटोरियल, एंड्रॉयड ऑटो ट्यूटोरियल, कैसे कनेक्ट होगा कैसे नहीं होगा किसी बंदे के, बाकी जो बंदे को मेरे थ्रू जानना मैं वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दे. तो ये बहुत सिंपल सा यूज़र इंटरफेस है. अब आपको बताता हूँ एंड्रॉयड ऑटो कैसे कनेक्ट करते हैं. एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए स्मार्टफोन जो एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है. दूसरा, क्योंकि ये विद वायर है, वायरलेस नहीं है, तो आपको चाहिए एक ये USB केबल जो फ़ोन जिससे आप चार्ज करते हो, ताकि आप इस स्लॉट में लगा सको और यूज़ कर सको. अब मैं बताता हूँ, जैसे मेरे पास फ़ोन है, मैं आपको फ़ोन दिखाता हूँ और मैं बताता हूँ कैसे कैसे जो है आप इसे यूज़ कर सकते हो. देखिए, ये है मेरे पास फ़ोन. अब इस फ़ोन में क्या होता है, अब इसमें सबसे पहले तो आप अपना ब्लूटूथ ऑन करो. जैसे मैंने आप यहाँ ब्लूटूथ ऑन कर रखा है, ये दिखा भी रहा है माई रिनो से कनेक्टेड है, कनेक्टेड एक्टिव. ठीक है, डन. दूसरा, आपने जो है एंड्रॉयड ऑटो कैसे काम करेगा, सबसे पहले आपने जाना है प्ले स्टोर में. मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर टाइप करो प्ले स्टोर. प्ले स्टोर पर जैसे ही क्लिक करोगे ये प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा. यहाँ पे सर्च बार में आपने डालना है एंड्रॉयड ऑटो ठीक है. तो एंड्रॉयड ऑटो करोगे आप जैसे, तो यहाँ पे लिखा आएगा एंड्रॉयड ऑटो, ये यहाँ पे देख रहे हो इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी. अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप दिखाएगा अनइंस्टॉल अपडेट, मुझे अपडेट मांग रहा है तो मैं अपडेट कर लेता हूँ. इसमें कुछ होगा फीचर आया होगा लेटेस्ट, कुछ भी जो है बग्स को रेक्टिफाई करने के लिए इसमें अपडेट आती रहती है. तो इस तरह से एंड्रॉयड ऑटो आपने इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर के जरिए. उसके बाद मैं आपको दूसरा स्टेप बताऊँगा कैसे चलेगा. वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट ये इन्फॉर्मेटिव रहेगा और आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, आप अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो. अभी अनइंस्टॉल दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. अब इसके बाद दूसरा जो है इसको कनेक्ट करना है आपने, ये USB लगानी है यहाँ, और दूसरा आपने लगाना है इसमें. मैं आपको दिखा भी देता हूँ कनेक्शन, देखो ये यहाँ लगा दिया और उसके बाद ये यहाँ आ गया. ठीक है, जैसे ही आप करोगे अब देखो ये मैप ओपन हो गया बाय डिफ़ॉल्ट. अब मैं इसे ऐसा कर लेता हूँ. तो मेरे फ़ोन के अंदर जितने भी फीचर्स थे वो मतलब मेरे फ़ोन के जो डिस्प्ले में है सभी मैं आपको वैसे भी दिखा देता हूँ. मेरे फ़ोन के डिस्प्ले में जो जो फीचर्स हैं, मतलब जो जो टैब्स हैं और जो जो ऐप्स हैं, मैं गलत बोल गया, जो जो ऐप्स हैं क्यों नहीं जा रहा, वो सारी ऐप्स आपको जैसे यहाँ व्हाट्सएप दिखा रहा है, मैसेज दिखा रहा है, सब दिखा रहा है, तो वो सब यहाँ आपको दिखेंगे. जैसे रिनो की ऐप भी है, यूट्यूब की है, मैप्स हैं, सब है, आपको ऐप यहाँ दिखेगी. आप ऐसे व्हाट्सएप भी दिखा रहा है. ठीक है, अब ये तो हो गया जी ऐसे. अब आपने मैप चलाना है तो इस पर जैसे मैप पर क्लिक करोगे तो मैप चल जाएगा सारी चीज़ें. ठीक है, अब इसे वापस कर देते हैं यहाँ पे. आप और वापस अगर आपने जाना है होम पे तो ये वाला बटन दबा दो तो आप वापस होम पे आ गए हो. और यहाँ पे भी अगर जाना चाहो इधर से भी जा सकते हो आप होम पे, जा क्यों नहीं रहा.
YouTube Music does not seem to be working at this moment. तो YouTube Music है वो चल नहीं रहा फॉर कोई रीज़न होगा. अब मैं आपको अब क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू इसमें YouTube चल सकता है, वैसे सपोर्ट नहीं करता, तो जो है आप इसमें YouTube नहीं चला सकते. बट अगर आपके फ़ोन में कोई ऑलरेडी कोई म्यूज़िक फाइल है MP3 या कोई फाइल है जो वीडियो को सपोर्ट करती है तो आप यहाँ पे चला सकते हो. उसके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे. तो भाइयों वीडियो आया हो पसंद आप तो वीडियो कर देना लाइक शेयर और सब्सक्राइब. मुझे लगता है कि आपको ये अब सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि एंड्रॉयड ऑटो कैसे कनेक्ट करते हैं. बहुत ही सिंपल तरीका, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं आप. और आप चलिए वीडियो करते हैं यहीं एंड. और कुछ क्वेरी हो कीकर के बारे में तो आप मुझे बता देना, फिर मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा. थैंक यू, बाय बाय.